नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीजन्स वॉइस और मैं हूं भावना आपके साथ। बुलेटिन से पहले की नजर आज की हेडलाइंस पर। 14 दिसंबर को होने वाली रैली को लेकर हुई बैठक, बैठक में पीसीसी सदस्य सवाराम पटेल सहित कई कार्यकर्ता रहे मौजूद। झालावाड़ में सवर्णों ने किया प्रदर्शन, आरक्षण को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। भरतपुर के रूपवास में पिकअप और ट्रैक्टर के भिड़ंत, हादसे में पिकअप ड्राइवर हुआ घायल। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर राजस्थान के आहोर से है, जहां पर भाद्र जून कस्बे में कांग्रेस दल के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 14 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाली भारत बचाओ रैली को सफल बनाने के संदर्भ में ब्लॉक कांग्रेस भाद्र जून से बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान पीसीसी सदस्य सवाराम पटेल के ब्लॉक अध्यक्ष लादूराम चौधरी मुख्य रूप से शामिल हुए, साथ ही अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। और विधानसभा क्षेत्र के बाद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य दिनांक 14 दिसंबर को दिल्ली के अंदर सोनिया जी के नेतृत्व में, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। भरतपुर की कामा क्षेत्र में पंचायत समिति की साधारण सभा गठित की गई। बैठक के दौरान अधिकारियों व पंचायत समिति के सदस्य बड़ी लापरवाही करते नजर आए। दरअसल बैठक में एक भी अधिकारी समय पर नहीं पहुंचा, जिसके चलते सभा का मजाक बन गया। वहीं प्रधान रचना द्वारा सदस्यों को फोन कर आने का आग्रह किया गया। झालावाड़ में सवर्ण समाज के लोग आरक्षण को लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। झालावाड़ मिनी सचिवालय में समता आंदोलन समिति के बैनर तले स्वर्ण समाज ने प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे सवर्ण समाज के लोगों ने कहा कि बीते 70 सालों से आरक्षण के कारण सवर्ण समाज लगातार पिछड़ता जा रहा है और काफी मेहनत के बावजूद समाज के युवाओं को नौकरी के पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में जब आरक्षण बिल के द्वारा इसे 10 वर्ष और बढ़ाने का सवर्ण समाज पुरजोर विरोध करता रहा है, अब समस्त समाज एक समान श्रेणी में आ गए हैं, इसीलिए आरक्षण व्यवस्था को खत्म करना जरूरी है। खबर बारा जिले से है, जहां पर परेशान किसानों में यूरिया खाद का वितरण किया गया। खाद्य की किल्लत से जूझ रहे किसानों को राहत देते हुए खाद्य वितरण प्रणाली में संशोधन कर यूरिया खाद्य वितरित की गई। गौरतलब है कि पिछले एक माह से यूरिया खाद की कमी के चलते किसान परेशान थे। खाद्य के लिए दुकानों व सोसाइटी के आगे कतार में लगे रहने के बावजूद भी खाद्य नहीं मिल रहा था। बड़े किसानों ने पहले ही रबी की फसल की आवश्यकता अनुसार एक साथ खाद स्टॉक कर लिया था। वहीं अब खेतों में सिंचाई कार्य के चलते छोटे काश्तकार यूरिया की किल्लत से खासे परेशान थे। घंटों कतार में लगने के बावजूद उन्हें खाद्य नहीं मिल रहा था। खबर हेलेना कस्बे से है, जहां पर लालजी दास महाराज के मंदिर की पुनः स्थापना का शुभारंभ किया गया। गांव इरनिया में महान सिद्ध पुरुष लालजी दास महाराज के मंदिर की पुनर्स्थापना और निर्माण का कार्य शुरू होने के चलते अन्नपूर्ण प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर मंदिर में हजारों ने प्रसादी ग्रहण की। वहीं ग्रामीणों द्वारा निर्माण कार्य में पूर्ण सहयोग दिखाई दिया। भरतपुर के रूपवास में एक ट्रैक्टर और एक पिकअप की भिड़ंत का मामला सामने आया है। नेशनल हाईवे संख्या 123 पर हुए टक्कर के चलते पिकअप ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे ग्रामीणों द्वारा बाहर निकाला गया। वहीं सूचना मिलते ही कहनोली चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्यवाही शुरू कर दी है। खबर भरतपुर शहर से है, जहां पर भारी बारिश के चलते एक मकान की छत ढह गई। घटना टायरा गांव की है। बताया जा रहा है कि घटना के समय परिवार के लोग बाहर आग जलाकर बैठे हुए थे, तभी अचानक मकान की छत धराशायी हो गई, जिसके चलते मौजूद लोगों में कोलाहल मच गया। हालांकि हादसे में किसी तरह कोई जान माल की क्षति नहीं हुई। झुंझुनू में फिल्म पानीपत के विरोध को लेकर कलेक्टर के सामने प्रदर्शन करते हुए फिल्म पानीपत की प्रतियां जलाई गयी। शहीद स्मारक में हुई सभा के बाद कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई, जहां युवाओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। छात्र नेता रवि बलोदा ने बताया कि जाट शूरवीर योद्धा महाराज सूरजमल के जीवन काल पर जो फिल्म बनी है, उसके अंदर उनकी छवि को तथा कुछ गलत तथ्य पेश किए गए हैं, जिसको सर्व समाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा।
कार्ड से पानीपत फिल्म में महाराजा सूरजमल जाट के तथ्य और इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई है, उनके तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, उसकी हम सभी भाई कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इस प्रशासन को और इस सरकारों को हम चेता देना चाहते हैं, क्या तो ये फिल्म पूरे भारत में बंद की जाए। खबर माउंट आबू से है जहां पर स्कूली छात्रों द्वारा सफाई अभियान की खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य भारत मिशन को लेकर, ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया के मिशन को लेकर आज माउंट आबू के स्वास्थ्य टीम आबू में सेंट मैरी स्कूल के डे स्कॉलर बच्चों द्वारा गौमुख मंदिर के ऊपर पार्किंग स्थल की सफाई की गई, जिसमें उन्होंने कांच की बोतल, प्लास्टिक की बोतल, नमकीन वेफर्स के रैपर्स को इकट्ठा किया और वन विभाग कार्यालय में सूचना दी। खबर चूरू से है जहां पर एक युवक के साथ कुकर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गांव के एक युवक के साथ कुछ लोगों ने अपहरण कर मारपीट करने तथा अप्राकृतिक मेथड पर जोर दिया। पुलिस ने मामले को लेकर सात नामजद व अन्य तीन लोगों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। झुंझुनू में जनता जल योजना से जुड़े कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन करने का मामला सामने आया है। कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को अपने वेतन की मांगे रखते हुए ज्ञापन सौंपा है, जिसके साथ कलेक्टर ने वीसी के दौरान ही सभी बीडीओ को दिए निर्देश देते हुए कहा, यदि कर्मचारियों को हर महीने समय पर भुगतान नहीं किया गया तो कार्यवाही की जाएगी। जनता जल योजना से निर्मित पंप चालक है झुंझुनू जिले के सातों आठों पंचायत समितियों से। हमारी खास मांग तो यह है कि पिछली सरकार में हमने न्यूनतम मजदूरी दिया करते थे, उस न्यूनतम मजदूरी का मानदेय का भुगतान अधिकांश पंचायतों में पुराने रेट के हिसाब से 207 रुपए प्रतिदिन व 213 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय। सवाई माधोपुर में किसान क्रांति के अध्यक्ष हार्दिक पटेल पौली दौरे पर पहुंचे। पटेल ने बामनवास विधायक इंदिरा मीना से उनके निजी आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान विधायक आवास पर हार्दिक पटेल का जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद पटेल ने विधायक इंदिरा मीना से क्षेत्र के बारे में जानकारी देते हुए किसानों की समस्याओं पर चर्चा की। इस दौरान किसान क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष मुरली राम गुर्जर सहित कई लोग मौजूद रहे। एक शिष्टाचार मुलाकात थी और घूमने के पर्पज से भैया आए थे यहाँ पर, तो यहाँ भी आना हुआ, सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात हो गई और क्रांतिकारी हैं तो लोगों में और कार्यकर्ताओं में जोश था, तो मिलने का सभी को उत्साह था, आज यहाँ शिष्टाचार मुलाकात की। फिलहाल खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सिटीजन वॉइस के साथ।